Assalamu alaikum. This is me, Abdurrahman, the president of Dawuddin Media. Basically, we are starting a video series on our page and our social media platforms. पे. So, this video series is the purpose of this video series that we will keep you activities in Dawud. So, if you liked this video, please like our video and share it with your friends. And share it with your friends. And comment on this video. And what happens in the video, please tell us about Hamza. Thank you so much. My name is Muhammad Hamza. From Metallurgy and Materials Department, Co-Director of Social Media from Dawuddin Media. So, today we are making a video clip, a small clip, we are shooting a video from 2NBH, which we will know that their 3 to 4 weeks in Dawud University of Engineering and Technology have been done. So, how are they feeling and what were their expectations? Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. What's your name? My name is Sayyida Maryam Ali. Which batch and which department? I am from Metallurgy and Material Engineering, batch 21 fall. Waalaikum assalam. क्या नाम है आपका? सुलेमान. विच डिपार्टमेंट एंड विच बैच? टेलीकॉम 21. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? ओवेस बेग. विच डिपार्टमेंट एंड विच बैच? केमिकल डिपार्टमेंट 21. वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा खान है. विच डिपार्टमेंट एंड विच बैच? आई एम फ्रॉम मेटलर्जी डिपार्टमेंट फ्रॉम बैच 21. अच्छा, तो आपकी मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग फर्स्ट पीरियड ही थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, तो कैसा फील कर रही हैं आप? 3 to 4 weeks आपके हो गए और क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी और अब आकर आप कैसा फील कर रही हैं? यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और दूसरी बात टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं और काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं. थैंक यू सो मच. अच्छा, गुड्स. टेलीकॉम्स इंजीनियरिंग आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी? जी जी. अच्छा, डेट्स गुड. क्या एक्सपेक्टेशन थी आने से पहले और अब 3 to 4 weeks तो हो चुके हैं, सो कैसा फील कर रहे हैं और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन पर दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा ही मिला. सीखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे. टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ. जो जो हमें मसला आता है, एक एक मसले को खुद सॉल्व करवाते हैं और अगर नहीं हो रहा था तो खुद करके देते हैं. हमारे फैकल्टी के भी जितने टीचर्स हैं वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा कोऑपरेटिव हैं. हर बच्चे एक एक इंडिविजुअली हर बच्चे के साथ कोऑपरेट करते हैं, जिसके साथ जो मसला आता है उसको सॉल्व करके देते हैं. ओके ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा, तो केमिकल इंजीनियरिंग आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी? जी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी. अच्छा, और क्या एक्सपेक्टेशन थी आने से पहले और अब कैसा फील कर रहे हैं आप? मैंने यहाँ पे दाऊद में आने से पहले नाम सुना था और अपने टीचर से भी नाम सुना था, तो जब आया तो माशाल्लाह से फैकल्टी बहुत अच्छी थी, बेहतरीन थी, काबिल थी, टीचर्स बहुत अच्छे मिले हमें, इस वजह से इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी? जी बिल्कुल, फर्स्ट प्रायोरिटी. अच्छा, गुड. क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी दाऊद यूनिवर्सिटी में आने से पहले और अभी आपके 3 to 4 weeks हो चुके हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं आप दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी? फील तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि इंजीनियरिंग यहाँ की अच्छी मेटलर्जी डिपार्टमेंट की और जितना एक्सपेक्ट किया तो उससे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस गुजरा. टीचर्स भी अच्छे, सारे कोऑपरेटिव हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर करो सारे एग्जैक्ट सवाल देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, थैंक यू सो मच.